हेलो एवरीवन दिस इज सेवेंथ क्लास साइंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर थ्री फाइबर टू फैब्रिक इन द प्रीवियस वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर टॉपिक्स ऑफ फाइबर टू फैब्रिक एनिमल्स दैट वूल वो एनिमल्स जिनसे हमें वुल मिलता है शिप गॉट कैमल यॉक असेक्ट्रा सम कॉमन वुल एनिमल्स ये जिनसे हमें वुल मिलता है वो एनिमल्स हैं दिस पेयर टू टाइप ऑफ हेयर इन एनिमल्स के ऊपर टू टाइप के हेयर्स पाए जाते हैं बाल होते हैं आउटर कोर्स हेयर एक तो जो बाहर की साइड पे होते हैं कॉल्ड कैम्प जिन्हें कैम्प कहा जाता है फाइन सॉफ्ट और काफ़ी सॉफ्ट हेयर होते हैं पतले होते हैं थिन होते हैं अंडर हेयर जो नीचे की साइड पे होते हैं कॉल्ड फ्लीस उन्हें कहा जाता है फ्लीस फ्लीस इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन ये अंडर द स्किन है आउटर लेयर तो थी कैंप और इनर लेयर वाले इनर वाले बाल जो होते हैं उन्हें फ्लीस कहते हैं ये स्किन के पास होते हैं इन सच एनिमल्स इन एनिमल्स के में फाइव ऑफ वुल इज ऑबटेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ दीज एनिमल्स जो वूल के लिए फ़ाइबर यूज़ किया जाता है बिकॉज कोई भी कपड़ा बनाया जाता है उसके लिए फ़ाइबर चाहिए सो so, वूल बनाने के लिए जो फाइबर आप यूज़ करते हैं जो आप त, यौन यूज़ करते हैं धागा यूज़ करते हैं वो कहाँ से लिया जाता है इन एनिमल्स के हेयर से मैनी ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन इंडिया शिप की बहुत सारी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं इंडिया में शिप गिव मिल्क शिप से हमें दूध मिलता है मीट मिलता है इन एडिशन टू वूल वुल के अलावा बट आर रेयरली मेनली रेयर्ड मेनली टू ऑप्टेन वुल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लेकिन क्या है ये आ, ये काफ़ी कम आ, किया जाता है इनका रेयरिंग जो प्रोसेस है यानी इनका पालन पोषण जो लोग पाल के रखते हैं रेयर्ड मेनली टू ऑप्टेन इनको जो पाल ज़्यादा हैबिटेट बना के रखा जाता है इनके रेयरिंग की जाती है किस लिए मेनली किया जाता है देते तो ये दूध और मीट भी है लेकिन इनका जो रेयरिंग प्रोसेस है ना मेनली वूल के लिए किया जाता है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा वूल मिल जाए इसीलिए लोग इन्हें अपने यहाँ पर पालते हैं अलग अलग वर्ड्स के पार्ट में सम इंडियन ब्रीड ऑफ वर्ड्स कुछ प्रजातियाँ जो कि शिप्स की हैं अलग अलग टाइप्स आर मेंशन इन द फॉलोइंग टेबल जैसे लोही नेम है ये क्या देती है बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल देती है ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है रामपुर बुशेर ब्राउन कलर की फ्लीस देती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं नली कारपेट वूल देती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है भाखरवाल वुलन शॉल बनाने के काम आती है जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है ये मरवारी कोर्स वूल बनाने के काम आती है दैट मीन्स थोड़ी मोटी सो so, ये गुजरात में मिलती है एंड पाटन वाली हॉस्ट्री यूज हॉस्ट्री यूज होता है जैसे इलास्टिसिटी टाइप जैसे सॉक्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है गुजरात में ज़्यादातर पाई जाती है ये नेक्स्ट है अंगोरा वुल इज़ ऑबटेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स अंगोरा गोड की पिक्चर ये रही अंगोरा गोट से हमें क्या मिलता है अंगोरा वुल मिलती है अंगोरा गोट आर फाउंड इन हिली एरियाज़ अंगोरा गोट जो ज़्यादातर पाई जाती है वो पहाड़ी इलाकों में मिलता है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है पश्मीना वुल इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम कश्मीरी गोट ये कश्मीरी गोट से मिलती है ये वूल याक वुल इज़ ऑप्टेंड कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख याक वुल जो मिलती है वो हमें मेनली तिब्बत एंड लद्दाख से मिलती है कश्मीर वुल कुछ इन एनिमल से मिलती है कैमल्स हैव वेरी फाइन सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव अंडर फर कैमल्स के पास बहुत पतली पतली और सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कीमती अंडर फर होती है यानी उनके बाल होते हैं एलपैका एंड ललामा आर अदर एनिमल्स ऑफ कैमल फैमिली दैट गि ये कैमल की ही फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों एनिमल्स जो कि काफी अच्छी वुल प्रोवाइड करते हैं द वूल फ्रॉम दिस एनिमल्स जो इन एनिमल्स से वुल मिलती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है एंड लाइट वेट होती है दीज एनिमल्स आर फाउंड पेरू बॉलिविया एंड अर्जेंटीना सो ये यहाँ पर पाई जाती है नेक्स्ट सम ब्रीड्स ऑफ शिप बेयर ऑनली कॉट ऑफ फाइन हेयर कुछ जो जातियाँ होती हैं शिप की अलग अलग टाइप्स हैं उनमें क्या होते हैं सिर्फ फाइन हेयर की अकॉटिंग होती है यानी बहुत पतले पतले हेयर ही पाए जाते हैं सच एनिमल्स आर रेयर्ड बाय उन्हें पाला जाता है उनकी रेयरिंग प्रोसेस की जाती है लेकिन सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए अगर किसी को सिर्फ पतले हेयर वाले चाहिए तो वो इनकी करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है टॉपटेन एनिमल्स और प्लांट हैविंग डिजायर्ड और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो यूज़ किया जाता है ताकि आप एनिमल्स और प्लांट्स का जिनके पास अलग अलग कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं इसलिए उनकी ब्रीडिंग करते हैं उनको रेयरिंग करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग उनसे निकालेंगे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग इसलिए की जाती है ताकि हम एनिमल्स या प्लांट्स से जो हमें जिस टाइप की क्वालिटी के मटीरियल उनसे चाहिए वो हम ले सकें ये ऐसा प्रोसेस है इन इंडिया इंडिया में शिप आर रेयर जनरली इन द स्टेट ये ज्यादातर कहाँ की जाती है शिप को कहाँ ज्यादातर रेयरिंग प्रोसेस किया जाता है पाला जाता है जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और द प्लेन्स जो मैदान होते हैं हरियाणा के पंजाब राजस्थान एंड गुजरात कैन यू लोकेट दिस लोकेशन इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया क्या आप इन जगहों को इंडिया के मैप में शो कर सकते हो दिस इज यूर एज ए टॉपिक नेक्स्ट फूड एंड शेल्टर ऑफ शिप जो शिप है इनको कहाँ से खाना मिलता है और इनके घर कहाँ है मतलब इन्हें कहाँ रखा जाता है इनका शेल्टर क्या है शिप और हार्बे वोर्स शिप जो होती है वो हार्बे वोर्स होती है दैट मीन्स ये प्लांट खाती है प्लांट ईटिंग एनिमल है जनरली जो खाती है ग्रास या फिर लिव्स को अपार्ट फ्रॉम ग्रास एंड लिवस ग्रास, ग्रास और लिव्स को छोड़ के दे ऑल्सो फीड ऑन कॉर्न वो कॉर्न भी खा लेती है ज्वार भी खाती है दालों का मिक्सचर भी खाती है ऑयल का केक ऑयल केक्स भी खाती है ऑयल केक आर मटेरियल ऑयल केक क्या होते हैं ऐसी चीज़ होती है लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड जब हम ऑयल के बीजों से ऑयल निकालते हैं ना तो वो जो बीज रह गए ऑयल निकलने के बाद उन्हें कहा जाता है ऑयल केक इन विंटर सर्दियों में शिप आर फिड ऑन ग्रेन शिप जो है वो खाती है ग्रेन्स को अनाज को लीव्स को और सूखी ग्रास को घास को शिप आर कैप्टेन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर इन्हें काफ़ी सूखी जगह पर और जहाँ पर काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन हो ऐसी जगहों पर रखा जाता है ऐसे शेल्टर दिए जाते हैं वेंटिलेशन मीन्स जहाँ हवा भी आती रहे वॉम एंड क्लोज शेड बंद घर जो भी जगह है बंद नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए अवॉइड की जाती है टू शेल्टर दम उन्हें रखने के लिए प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वुल फाइबर्स कैसे बनाते हैं वुल से वुल फ्राम शिप और अदर वुल बेरिंग एनिमल्स इज ऑप्टेन इन फॉलोइंग स्टेप्स इन स्टेप्स से हम शिप से वुल लेते हैं और या फिर शिप के अलावा जिनके पास भी वुल मिल सकती है ऐसे फाइबर जो प्रोवाइड करते हैं उनसे वुल निकाली जाती है फर्स्ट है शेयरिंग प्रोसेस किया जाता है शेयरिंग में किया क्या जाता है एक्चुअल में जैसे ये पर्सन कर रहा है ये क्या कर रहा है शिप के बाल निकाल रहा है मशीन का यूज़ करके जिससे इसके हेयर ये कट कर लेगा जैसे शेव किया जाता है ना बॉयज़ लोग शेव करते हैं सिमिलरली वैसा ही एक मतलब प्रोसेस होता है जैसे डरिंग की शेव की जाती है सिमिलरली यहाँ पर भी इनके बाल उतारे जाते हैं द फ्लीस और हेयर जो शिप्स के हेयर हैं उन्हें शेव ऑफ किया जाता है हटाए जाते हैं अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन स्किन की थोड़ी सी पतली सी लेयर भी साथ में उतर जाती है इन ऑल्डन डेज पुराने दिनों में दिस वॉज डन ये किया जाता था यूजिंग पेयर ऑफ मेटल ब्लेड मेटल के ब्लेड का यूज़ किया जाता था बट नाउ ए डेज लेकिन आज के दिनों में अ मशीन इज यूज टू कट ऑफ द फ्लीस मशीन का यूज़ किया जाता है इनको काटने के लिए बालों को दिस इज सिमिलर टू शेविंग ऑफ बियर और कटिंग हेयर जैसे बाल काटे जाते हैं शेव की जाती है दाढ़ी की ये उसी के तरीके से किया जाता है दिस दस इट डजेंट हर्ट द शिप इसलिए शिप को दर्द नहीं होता दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग इसे शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं शेयरिंग इज जन जनरली इन समर या ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है सो दैट न्यू हेयर कैन ग्रो बाय विंटर ताकि ठंड आने तक नए बाल उग जाएँ टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड और गर जो उनके बाल हैं वो क्या है बाहर की ठंडी हवा को उनकी बॉडी की बॉडी तक नहीं पहुंचने देते वो एक परत का काम करते हैं कवरिंग का काम करते हैं तो ये जो हेयर हैं वो सर्दियों तक आ जाएंगे तो उन्हें ठंडी से प्रोटेक्शन देंगे कॉल्ड से नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है स्कारिंग का स्कॉरिंग क्या होता है इसमें मशीन में हम इन वूल्स को डालते हैं जो वहाँ से बाल निकले थे ना बाल निकालते हैं और यहाँ पर डाला जाता है और वाइट कलर के हमें कॉटन टाइप मिलने स्टार्ट हो जाती है जिसे फ्लीस जो हेयर है आफ्टर शेयरिंग काटने के बाद इज वॉश प्रॉपरली से धोया जाता है डर्ट निकालने के लिए गंदगी और ग्रीस हटाने के लिए वॉशिंग ऑफ फ्लीस फ्लीस को बालों को धोना आफ्टर शेयरिंग उसे काटने के बाद इसी को स्कोरिंग कहा जाता है स्कोरिंग इज डन आइदर इन टैंक और इन मशीन या तो ये टैंक में किया जाता है या फिर मशीन्स में नेक्स्ट प्रोसेस होता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग में क्या किया जाता है आफ्टर स्कोरिंग स्कोरिंग प्रोसेस के बाद जब हम धो लेते हैं फ्लीस को सॉर्ट किया जाता है उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग मतलब आप अलग अलग कर देते हैं कुछ जैसे हर सेम तो नहीं होगा कुछ का कलर चेंज हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है उनका टेक्स्चर उनकी बनावट के अकॉर्डिंग हम उन्हें अलग करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग इसी को सॉर्टिंग कहा जाता है ग्रेडिंग इन ग्रुपिंग ग्रेडिंग का मतलब है ग्रुप बना देना वुल फाइबर्स के अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ उनके लेंथ के अकॉर्डिंग अलग लेंथ वाले अलग ग्रुप में कलर के अकॉर्डिंग उनकी बनावट के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग कैन ऑल्सो भी डन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूल वूल की क्या क्वालिटी है बिकॉज अलग अलग शेप से निकाल रहे हैं तो उनकी क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उन्हें अलग कर सकते हैं दैट मीन्स ग्रेडिंग प्रोसेस किया जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी ऑफ वूल की वूल की क्वालिटी कैसी है द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ जज बाय द फैक्टर इन फैक्टर से देखे जाती है कि फाइबर की लेंथ कितनी है डायमीटर कितना है उसका इलेक्ट्रिसिटी कितनी है स्ट्रेंथ कितनी है ड्यूरेबिलिटी यानी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कितने दिन तक टिक पाती है ड्यूरेबिलिटी का मेन यही होता है कि वो कब तक टिक पाती है आप कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं इंसुलेटिंग नेचर कैसा है उसका अ गुड क्वालिटी वूल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक अच्छी क्वालिटी की वूल में ये सारी क्वालिटीज होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट है लेंथ फाइन क्वालिटी वूल फाइबर इज लॉन्गर देन द कॉर्स वन क्या होता है जो पतली होती है वूल फाइबर वो काफ़ी लंबी होती है और वो मोटे वाले से अच्छी भी होती है ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी अ फाइन क्वालिटी वूल फाइबर इज़ जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो हार्ड वेयरिंग होती है मोटी होती है दैट रिटेन इट अपेयरेंस फाइन इवन आफ्टर यूजिंग सेवरल टाइम अगर आप उसे बहुत बार भी यूज़ कर रहे हैं ना तब भी उसके अपेयरेंस दिखने में वो वैसा ही रहता है फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वूल वो फ्लेक्सीबल है इस वजह से हम काफी कर सकते हैं इट कैन बी बेंट बैक ऑफ इट से आप ट्वेंटी थाउजेंड टाइम से भी ज्यादा बार आप इनको बेंट कर सकते हो दैट मीन्स बार बार क्योंकि फ्लेक्सीबल है इनको बेंट भी किया जा सकता है सो तो ज्यादा बार यूज कर सकते हैं खराब नहीं होगा नेक्स्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर यानी ये नमी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है वुल फाइबर ड्रो मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी ये मॉइस्चर जो हमारा पसीना है वो बॉडी से सोख लेता है एंड एब्जोब इसे सोख लेता है दिस जनरेट हीट जिसकी वजह से हीट निकलती है कि बॉडी वॉम और बॉडी हमारी गर्म रहती है नेक्स्ट इंसुलेटिंग नेचर वुल फाइबर फाइबर हैव गैप वुड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और पॉकेट होती है बिटवीन दम दैट ट्रैप एयर जो कि हवा को अपने अंदर सो ट्रैप कर लेती है फसा लेती है मेकिंग परफेक्ट इंसुलेटर जिसकी वजह से वुल परफेक्ट इंसुलेटर रहता है इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास नहीं होती नेक्स्ट चीज क्रिम क्रिम द क्रिम्पुर बेंट यानी कि जो बेंड्स होते हैं वुल फाइबर में मेक इट सॉफ्ट वो इसे सॉफ्ट बनाते हैं स्पंजी बनाते हैं टची बनाते हैं स्पंजी टू टच एंड फाइनर फाइबर सच एज मेरूनो हैव मोर क्राइम्स इसमें ज़्यादा बेंड्स होते हैं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी रहता है मेरीनो जो फाइबर है नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस यानी ये आग के प्रति भी रेजिस्टेंस है मतलब उसको अपोज करता है वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वुल इज इट्स एबिलिटी टू नॉट कैच फायर ये आग नहीं पकड़ता। Wool doesn't burn, but instant char. Wool जलता नहीं पकड़ता। जलता है, है, है लेकिन ये टाइप चार बना देता है that further burning, जिसे काला हो जाता बाहर की लेयर से अगर को जला के रखेंगे, तो के से लेयर बन जाती है जो कि उसे पूरे तरीके से जलने ही नहीं देती उसे जलने नहीं देती प्रेवेंट करती है After sorting and grading, जब आप फ्लफी फायर, फाइबर्स जो फ्लफी हैं कॉल्ड बर जिन्हें बर कहा जाता है और पिकड आउट फ्रॉम हेयर वो क्या है हेयर से निकाले जाते हैं द फाइबर्स आर स्कॉल्ड अगेन उन्हें दोबारा से धोया जाता है एंड ड्राइड सुखाया जाता है टू तो मेक देम रेडी टू तो वि ड्रॉन इन टू फायर ताकि उन्हें रेडी किया जा सके कि उनके फाइबर बना दिए जाएँ नेक्स्ट ड्राइंग डाइंग अब इसे क्या करना है आपको डाई करना है दैट मीन्स कलर देना है बिकॉज जो फाइबर बाल उनके मिलते हैं वो तो एक ही कलर के होते हैं आपको क्या करना है तो अलग अलग कलर बनाने होता है नेचुरल वूल इज जनरली नेचुरल वूल जो हमें मिलती है वो क्रीमी वाइट होती है या ब्लैक होती है ब्राउन होती है कलर में सो so, फाइबर्स को हम डाई करते हैं इन डिजायर कलर अपनी मर्जी के कलर्स में आफ्टर सॉर्टिंग एंड पिकिंग आउट बर्ड्स जब आप उनकी सॉर्ट कर देते हो उनका बर्ड्स को कलेक्ट कर देते हो तो यहाँ डाई प्रोसेस किया जा रहा है इसे रंगा जा रहा है नेक्स्ट है स्पिनिंग स्पिनिंग में क्या किया जाता है फाइबर्स आर देन स्ट्रेट अब आप क्या करेंगे जो फाइबर आपको मिले थे वो तो काफ़ी मतलब जैसे कॉटन दिखती है कुछ वैसे ही थे तो आपको क्या करना है अब इनको स्ट्रेट बनाना है थ्रेड बनाना है इनको इनको स्ट्रेट बनाया जाता है कॉम किया जाता है रोल्ड इन टू और इसके धागे बनाए जाते हैं और यहाँ कॉम्प का मीनिंग है कि आप इनको लपेटते भी हैं

फॉर साउंड प्रूफिंग साउंड प्रूफिंग के नेक्स्ट जो मटेरियल हम स्टडी करने वाले हैं वो है सिल्क सिल्क इज अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर ये भी एनिमल से मिलता है सो एनिमल फाइबर है स्पिड बाय सिल्क वाम जो कि हमें सिल्क वाम से मिलता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लसचेरियस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है चमकदार होता है सॉफ्ट होता है काफ़ी पतला फाइबर होता है मेड ऑफ प्रोटीन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो सिल्क वाम्स आर रेयर टू ऑप्टेन सिल्क सिल्क वाम को इसीलिए रेयरिंग प्रोसेस किया जाता है मतलब इनको पाल कर रखा जाता है ताकि इनसे सिल्क मिल सके हिस्ट्री ऑफ सिल्क सिल्क की क्या हिस्ट्री हैड इन चाइना सबसे पहले चाइना में इनकी खोज हुई थी अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड बी सी बी सी का मीन्स होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट के बर्थ से पहले क्राइस्ट Christ, क्रिश्चियन के गॉड होते हैं तो उनके बर्थ से भी थर्टी फाइव हंड्रेड पहले इट बिकम अ प्राइज पोसेशन बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी इसे काफ़ी अच्छा माना गया था क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी लस्टर था चमक था ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्पेरियर्स ओनली पहले सिर्फ सम्राट लोग ही इसका यूज़ करते थे राजा महाराजा इट वाज थ्रो ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लेकिन ट्रेड के जरिए व्यापार के जरिए सिल्क को बाकी वर्ल्ड के पार्ट में भी ले जाया गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टैंक के साथ सिल्क वॉज एन इम्पोर्टेंट आइटम टू ट्रेड ड्यूरिंग एंशियन टाइम सिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम बन गई थी पुराने प्राचीन काल में व्यापार करने के लिए ड्यू टू दिस इसी की वजह से एंशियट ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड चाइना टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कल सिल्क रूट इसीलिए जो पुराने रास्ते हैं व्यापार करने के चाइना से इसलिए उनको कहा जाता है सिल्क रूट सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो ये इंडिया में भी बनाया जाता है बनाया जाता था प्रूफ ऑफ यूज़ ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड जो हमारी सिविलाइजेशन थी पहले की आ, बहुत सारी सिविलाइजेशन फोर सिविलाइजेशन आती है एक्चुअली में सो इंडियन वैली यानी प्राचीन काल में जो हमारी प्रजातियाँ रहती थी तो वहाँ से भी हमें पता चला है कि उस टाइम पर भी सिल्क पाए जाते थे नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क वॉम की लाइफ हिस्ट्री क्या है वो पूरी जिंदगी क्या करते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर सिल्क वॉम के रेयरिंग प्रोसेस को कहा जाता है सैरिकल्चर सिल्क वाम फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स ये खाना खाते हैं लीव्स खाते हैं किसके मलबेरी प्लांट्स के अ फीमेल मॉथ लीव्स हंड्रेड ऑफ एग ऑन द मलबेरी लीव्स जो फीमेल मॉथ होता है सिल्क मॉथ जो है इसमें जो फीमेल है वो क्या करता है मलबेरी के लीव्स पर

नेक्स्ट स्टेज इन दाइफ साइकिल ऑफ अजा जो सिल्क की लाइफ साइकिल में प्यूपा तो बन जाएगा वेन द केटरपिलर ग्लो लार्ज इनफ टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज जब कैटरपिलर बड़ा हो जाएगा की वो नेक्स्ट स्टेज पर चला जाए इट स्टार्ट विविंग इट टू होल्ड इट सेल्फ ये अपने आसपास अपने आसपास क्या करेगा एक नेट बनाना शुरू कर देगा नेट को वेव करना बुनना शुरू कर देगा होल्ड करने के लिए ताकि ये पकड़ के रख सके देन इट मूव्स इट हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर तब ये अपने हेड को अपने सिर को एक साइड से दूसरी साइड तक खिलाना शुरू करेगा मेकिंग ए फिगर एट 8 बनाने की फिगर बनाना स्टार्ट करतेगा जैसे 8 होता है वैसे ही दिखने लगेगा ड्यूरिंग दिस मोमेंट्स एड बनाने के स्ट्रक्चर में वो अपने को मूव करेगा ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इन मूवमेंट को करते हुए कैटरपिलर सेक्रेटिव फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन कैटरपिलर से एक फाइबर निकलता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है दिस प्रोटीन फाइबर सॉलिडिफाइड ये जो प्रोटीन फाइबर है ये सॉलिड बन जाता है एंड हार्ड एंड काफी सख्त हो जाता है वेन एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम अगर इसे थोड़ी देर हवा में छोड़ दिया जाए दिस इज द सिल्क फाइबर इसी को सिल्क फाइबर कहते हैं

इन विच सिल्क वॉम कवर इट सेल्फ ये सिल्क की कवरिंग जिसमें जिससे सिल्क वॉम ने अपने आप को कवर कर लिया उसे कहा जाता है कुकून फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क वॉम और सिल्क वॉम और बड़ा हो जाएगा टेक प्लेस इन साइड द कोकून ये कुकून के अंदर ही होगा आउटर कवरिंग के अंदर जिसे एग टाइप बन गया वूल का बना हुआ है आफ्टर समटाइम कुछ टाइम के बाद प्यपा एंटर द एडल्ट स्टेज जो छोटा कैटरपिलर है वो अब बड़ा हो जाएगा प्यूपा जो है वो एडल्ट स्टेज में चला जाएगा एंड एमरजेस आउट ऑफ द कुकुन और कुकुन से बाहर आ जाएगा एजाम मोत यानी सिल्क मोत बन गया तो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या हुई थी सबसे पहले फीमेल female थी फीमेल्स के होने के बाद क्या हुआ एग पर बैठ एग बने मलबरी लिव्स पर बहुत सारे उसने हंड्रेड ऑफ एग्स रिलीज किए बेबी आए फिर हर एक एग से क्या हुआ थोड़े टाइम के बाद वो एग फूटना स्टार्ट हो गया उसे कैटरपिलर निकला कैटरपिलर बना बाद में कैटरपिलर कन्वर्ट हो गया प्यूपा में उससे पहले प्यूपा इसके अंदर अपने सराउंडिंग में सिल्क फाइबर लगा देता है कवरिंग लगा देता है फिर ये फट जाता है और उसके बाद कोकून में से मौत निकल जाता है ये उसे की जो कवरिंग बनी है उसे कहा था कुकून नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ फाइ सिल्क

होता है अंडर हाइजीनिक एंड सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी साफ सफाई वाली जगह पर और ऐसी कंडीशन जहाँ टेम्परेचर भी सूटेबल हो और ह्यूमिडिटी नमी भी प्रॉपर आए दिज एग्स आर प्रोवाइडेड सूटेबल तो वॉर्म फॉर हैचिंग इन्हें गर्मैश दी जाती है ताकि अच्छे से फिर हैच हो सके मतलब ये कन्वर्ट हो सके इसके बाद दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन इस प्रोसेस को इनक्यूबेशन कहते हैं द लार वेस्ट आर फेड ऑन जो ये बेबी बना ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ये मलबरी लिव से खाना लेते हैं द लार्वा और कैटरपिलर्स ईट कंटिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट सिक्स वीक ये छः वीक तक खाना खाते हैं एंड ग्रो इन साइज बढ़ते जाते हैं अपने साइज में देन दे स्टॉप फीडिंग फिर ये खाना खाना छोड़ देते हैं आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून और अपने कोकून को जो वूल है अपने सराउंडिंग में उसे बुनना स्टार्ट करते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं दीज आर देन शिफ्टेड टू बैम्बू चैम्बर्स तभी इन्हें बैम्बू के चैम्बर में ले जाया जाता है वेयर दिस बिन द कुकन इन वन कंटिन्यूस थ्रेड ऑन द ट्विंग्स प्रोवाइडेड टू दैम तभी अच्छे से अपने सराउंडिंग में वुल को कुकुन बनाना शुरू कर देते हैं कंटिन्यूस थ्रेड एक धागा निकालते जाते हैं द अमाउंट ऑफ यूज सिल्क इज स्मॉल जो यूज़ करने वाली सिल्क है वो काफ़ी स्मॉल होती है कम होती है एंड अबाउट टू थाउजेंड कुकुन्स मेड वन सिल्क ड्रेस और एक सिल्क के कपड़े की ड्रेस दो हज़ार कोकून मिलके बनाते हैं क्योंकि ये इसने तो क्या किया आउटर कवरिंग बनाई तो ये तो बहुत है ये तो एक ही धागा मिला तो ड्रेस बनाने के लिए तो आपको दो हज़ार धागे के नियर अबाउट चाहिए तो दो हज़ार कोकून भी चाहिए नेक्स्ट है द कोकून आर देन कैप्ट अंडर सन कुकून को अब सन के नीचे रखा जाता है बॉइल किया जाता है एक्सपोज टू स्ट्रीम यानी गर्मैश में छोड़ दिया जाता है स्ट्रीम्स में यानी भाप में दिस किल द इंसेक्ट इनसाइड ये इंसेक्ट को उसके अंदर जो उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको मार देता है द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट सिल्क फाइबर अलग हो जाता है द फाइबर फ्रॉम सेवरल कोकून आर रिल्ड ऑफ जो बहुत सारे कोकून से हमें फाइबर मिला था तो उसे हटा दिया जाता है टुगेदर टू मेक ए सिंगल थ्रेड उसका एक धागा बनाया जाता है दिस इज कॉल्ड रिलिंग ऑफ सिल्क इसे

डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉम प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क अलग अलग सिल्क वोम से अलग अलग सिल्क मिलती है इन टर्म्स ऑफ लस्चर उनकी चमक अलग होती है टेक्स्चर बनावट अलग होती है सिल्क जैसे कि तसर है मूगा है कोसा है इज ऑफटेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉम अलग अलग सिल्क वॉम से हमें मिलती है मलबरी सिल्क इज मेन वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया मलबरी सिल्क मेन वैरायटी है जो इंडिया में हमें मिलती है अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ मलबरी सिल्क कम फ्रॉम कर्नाटका नाइन्टी परसेंट जो हमारे यहाँ होती है वो कर्नाटका से मिलती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हमें मिलती है इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में वुमेन आर इन्वॉल्व इन अ बिग वे इन द सेरिकल्चर इंडस्ट्री सेरिकल्चर इंडस्ट्री में यानी जहां पर सिल्क निकाला जाता है ये प्रोसेस किया जाता है वहाँ वुमेन ज्यादा काम कर रहे हैं दे कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम वो सिल्क वॉम की रेयरिंग प्रोसेस करते हैं रिलिंग ऑफ सिल्क से धागे बनाने का काम करते है, कुकुन से, fabric, कुकुन से पहले लेते हैं और फिर कच्चे बनाते है। और ये काफ़ी करता है हमारे यहाँ की इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए एंड ऑल्सो हेल्प रैंक इंडिया अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और एक अच्छा रैंक प्रोवाइड करता है इंडिया को सिल्क बनाने के लिए चाइना लेड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोटेक्शन चाइना जो है वर्ल्ड को लीड करता है कि सिल्क को हमें प्रोडक्शन करना चाहिए सबसे पहले चाइना ने ही बनाया था यूज़ ऑफ सिल्क सिल्क कैसे यूज़ किया जाता है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी स्कार्फ्स स्कार्फ बनाए जाते हैं uh, स्कार्फ जिसे कहते हैं टाई बनाने के काम आता है पैराशूट बनाने के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के नेक्स्ट लास्ट वन टॉपिक इज हेल्थ हजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सिल्क और वुल की तो आपको क्या क्या हेल्थ हजार्ड हो सकती हैं इन अवर कंट्री हमारी कंट्री में मैनी पीपल आर वर्किंग इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री बहुत सारे लोग वूल और सिल्क की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड अपना जीवन जीने के लिए खाने विकने के लिए बिकॉज पैसे मिलेंगे वर्कर्स इन दिस इंडस्ट्री अपनी जीविका के लिए वर्कर्स इन इन इंडस्ट्रीज़ में आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ हेल्थ उन्हें काफी सारी हेल्थ रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं इन वुलन इंडस्ट्री वुल की इंडस्ट्री में पीपल हु वर्क एज सोटर गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया वहाँ पर क्या हो जाता है बैक्टीरिया uh, से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया का नाम है एंथरेक्स इट लेट टू सॉटर डिसीज इसकी वजह से सॉटर डिसीज होती है फेटल ब्लड डिसीज जो कि ब्लड डिसीज भी होती है नेक्स्ट इन सिल्क इंडस्ट्री सिल्क इंडस्ट्री में वर्किंग इन क्रैम डैम्प एंड पुअरली सिल्क इंडस्ट्री में जब हम क्रैम्प डैम्प और पोअरली वेंटिलेटेड यूनिट लेट टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पर क्या बहुत सारा भीड़ भड़ाका हो जाता है पोअर वेंटिलेशन है अच्छे से हवा पास नहीं होती जिसकी वजह से बहुत सारी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वेन कोकून और पुट इन होड वाटर जब कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है टू लूज एन जल्द ताकि वो अपनी बाहर की कवरिंग सिल्क को लूज कर दे थोड़े लूज हो जाए फाइबर फॉर अनवाइंडिंग हटाने के लिए दर्कर्स पुट देयर बेयर हैंड तो वो अपने Uh, हाथ को बिना कवर किए ही क्या करते हैं नंगे हाथों से ही इन हॉट वाटर में डाल देते हैं गर्म पानी में रिजल्टिंग इन ब्लिस्टर इन दर हैंड्स इनकी वजह से हाथ में फोड़े हो जाते हैं लीडिंग टू सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसकी वजह से दूसरा इन्फेक्शन भी हो जाता है सच एज डरमेटिज स्किन uh, रिलेटेड होता है ये नेक्स्ट है वर्कर इन द सिल्क इंडस्ट्री जो सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं हैव टू स्टैंड कंटिन्यूसली फॉर अबाउट ट्वेल्व टू सिक्सटीन आवर उन्हें खड़े रहना पड़ता है बारह से सोलह घंटे तक एक दिन में टू फोकस ऑन टू गेट अ फाइन थ्रेड ताकि उन्हें पतला अच्छा थ्रेड मिल सके इट लेड टू डिसऑर्डर लाइक बैकेज बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है पीठ से रिलेटेड स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है या फिर दिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है सो so, ये आपका chapter tha, chapter number 3 fiber to fabric it was completed i hope you all understand this chapter completely and have no doubts thank you very much and have a nice day